It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर, हाउ आर यू गाइस? चलिए तो स्टार्ट करते हैं. केदार का डाउट है, 5 जून से इन्वॉल्वमेंट का फुल सिलेबस होगा. यस डेफिनेटली 5 जून से आपका जो स्टार्ट हो रहा है इन्वॉल्वमेंट, उसमें फुल सिलेबस लिया जाएगा कंप्लीट. आई थिंक मैंने आपको लिंक सेंड कर दी है उसके रिगार्डिंग, फिर भी मैं इस आज वाले सेशन में भी उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा. चलिए आसिमा, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑलवेज फाइन एज ऑलवेज लाइक. चलो स्टार्ट करते हैं. तो आज की सबसे पहली बात तो आप लोगों को नेक्स्ट कॉम्बैट के बारे में बता दूं. तो नेक्स्ट कॉम्बैट आपका 6 जून को है. 6 जून 13, सो दिस मंथ यू हैव अ 4 कॉम्बैट. टाइमिंग आपकी 11 AM ही रहती है. एंड दोज हु आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, दे ऑल कैन रजिस्टर इन दिस कॉम्बैट विद द कोड MRI10. कई सारे रिवॉर्ड्स हैं, बट सबसे बड़ा मैं रिवॉर्ड्स क्या बोलता हूं कि आपको ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलना, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है आपके लिए. बाकी रिगार्डिंग माई सेल्फ, आई थिंक यू गाइज आर वेल अवेयर ऑफ माई नेम इज मृगांक सौरभ डियर. रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन एज वेल एक्सपीरियंस, यू कैन डायरेक्टली लुक इट फ्रॉम हियर. सब्जेक्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स, OCF, जियोटेक, CP Import, EIA, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. तो ये सारे सब्जेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. MRI10 इज द कोड विच यू गाइज आर कंफर्टेबली यूजिंग आइदर फॉर द कॉम्बैट रजिस्ट्रेशन और फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो टू गेट 10% ऑफ. बट उससे बड़ी बात होती है प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस होना. आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं बच्चा, वो दो ऑप्शन है अभी आपको, आइकॉनिक और प्लस, दो ऑप्शन है आपके पास. और जो बेसिक डिफरेंस दोनों में है, देखो प्लस में आपको सफिशियंट चीजें हैं
फॉर गेट एंड ईएससी प्रिपरेशन, लाइक आपका कंप्लीट सिलेबस होना, आपका रिवीजन के लिए ध्यान होना, टेस्ट सीरीज का होना, वीकली टेस्ट का होना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लासेस होना, तो सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड है फॉर गेट प्रिपरेशन, फॉर गेट एंड ईएससी प्रिपरेशन, वॉट एवर रिक्वायर्ड फॉर यू। बट इन आइकॉनिक पार्ट थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयर की जाती है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु नीड दैट, लाइक ए पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी बूस्टर सेशन, स्टडी प्लानर, सो दीज आर द थिंग्स विच इज गिवन एक्स्ट्रा अदर देन वॉट यू आर गेटिंग इन द प्लस पार्ट, एंड दैट इज द रीजन आइकॉनिक को आप थोड़ा सुपीरियर बोल सकते हो एज कम्पेयर टू द प्लस पार्ट। एंड आपके पास जो ऑप्शन रहते हैं डियर, लाइक 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ का जो कोर्स का ऑप्शन है, ये आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करने से ऐसा बिना प्लानिंग बिना स्ट्रेटजी के, देखो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले 6 मंथ का स्ट्रेटजी सेशन लिया था, आप में से कुछ बच्चे वहां पे थे, तो बिना प्लानिंग और बिना स्ट्रेटजी के ना आपको कोई यहाँ पे काम करने वाला नहीं है, क्योंकि गेट और ईएससी इतना हाई लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता जा रहा है ना कि यहाँ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर हार्डवर्क सब कुछ जरूरी हो गया। सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी काम करना पड़ता है। तो आप लोग के पास ऑप्शन है, अभी बैच एल आपका स्टार्ट हुआ है, तो 2 जून से यू कैन ज्वाइन दिस बैच फॉर गेट एंड ईएससी पार्ट एज वेल एज द फॉर स्टेट पीएससी। जो लोग ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो लोग स्टेट पीएससी के बारे में सोच रहे हैं, जिनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, दे कैन गो फॉर द संकल्प बैच ऑल्सो, एंड बोथ बैच यू कैन ज्वाइन विद द कोड, सेम कोड MRI10। चलिए आज की कहानी हमारी थोड़ी डिफरेंट है, बट मजा बहुत है इसमें। आज की कहानी का जो हमारा शीर्षक है वो है सर्च। शीर्षक का इंग्लिश क्या होता है आप लोगों को, देखता हूं थोड़ी हिंदी विंदी ठीक है कि नहीं। शीर्षक का इंग्लिश क्या होता है? इज इट द लास्ट लेक्चर ऑफ ओसीएफ? नो, टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ ओसीएफ इन यूट्यूब। A55 आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट, अगस्त तक नहीं जाए वो, आपका जुलाई तक कंप्लीट हो जाए, यही मेरा टारगेट है। चलो, मतलब हिंदी आप लोगों की ठीक है। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चा वो है सर्च। अब सर्च की बातें जो हमको मालूम है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्च आपका एक क्या है। ये आपका एक RVF है। RVF मतलब रैपिडली वेरिड फ्लो है, रैपिडली वेरिड फ्लो है। दूसरी बात, ये आपका स्टडी है या अनस्टडी? तो सर ये अनस्टडी फ्लो है, अनस्टडी फ्लो है। दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको जानने की बात है। एक तो सबसे पहली बात है कि जो सर्ज आपका रैपिडली वेरिड फ्लो है। अब रैपिडली वेरिड फ्लो क्या होता है ये बारे आपको बिल्कुल मालूम है। अनस्टडी फ्लो जो है आपका, ये आपका हाइड्रोलिक जंप स्टडी था और ये वाला आपका अनस्टडी फ्लो है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। देखो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं सर्ज का, तो आपके टाइडल वेव्स हो जाएंगे, या आपने कभी बड़े से तालाब में एक पत्थर को फेंका है, आपने कुछ नोटिस किया है? जब एक बड़े से तालाब में एक छोटे से पत्थर को आप फेंकते हो या स्टोन को आप फेंकते हो, तो हैव यू नोटिस समथिंग इन दैट वाटर सरफेस? आपने कुछ नोटिस किया है? हैव यू नोटिस समथिंग? अब आपके नाम के आगे A55 लगा रहेगा तो मैं तो वही बुलाऊंगा ना। क्या नोटिस किया है कि जब आपने एक एक तालाब में एक पत्थर ऐसे फेंकते हो तो आपने देखा होगा छोटे छोटे वेव्स फॉर्म होते हैं। सो दैट वेव इज ऑल्सो नथिंग बट द सर्ज वेव। वो भी आपका क्या है? सर्ज वेव। दूसरा है आपका वेव्स विच आर फॉर्म्ड, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेव्स फॉर्म्ड ड्यू टू opening and closing of, opening and closing of gate। कौन सा gate? स्लुइस gate।
तो दूसरा एग्जांपल आपके लिए नोट करना है आपको, एक तो आपका टाइडल वेव था, दूसरा आपका स्मॉल वेव्स जो आपके पॉन्ड में फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ थ्रोइंग ऑफ ए स्टोन, वो हो गया। तीसरा एग्जांपल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्कशन हमारा इसी पे होने वाला है, दैट इज वेव्स फॉर्म ड्यू टू ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्लूज गेट, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्लूज गेट। ध्यान से यहां तक नोट कीजिएगा, यहां से ध्यान तक नोट कीजिएगा सारे बच्चे, यहां से ध्यान से नोट कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात लिखिएगा, जो आपका सर्ज वेव है बच्चा, जो आपका सर्ज वेव है इसको मैंने दो टाइप में बांटा है। एक को नाम देते हो आप पॉजिटिव सर्ज वेव और एक को आप नाम देते हो नेगेटिव सर्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई बहुत बड़ी रोल नहीं है। अगर आपका राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ वेव फॉर्मेशन, अगर आपका वाटर लेवल में राइज हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव सर्ज। अगर आपका फॉल हो रहा है तो आप उसको बोलोगे नेगेटिव सर्ज। नथिंग न्यू इन दैट, सिंपली यू कैन राइट दैट राइज इन वॉटर लेवल ड्यू टू सर्ज वेव, यहां पे आपका फॉल इन वॉटर लेवल ड्यू टू सर्ज वेव। तो अगर आपका राइज हो रहा होगा तो उसको सर्ज वेव नाम दे, मतलब पॉजिटिव सर्ज वेव नाम दे दीजिएगा। अगर आपका फॉल हो रहा हो तो उसको नेगेटिव सर्ज वेव नाम दे दीजिएगा। हम लोग का डिस्कशन दोनों पे होगा तो अभी आप इसको नोट कीजिए, हम लोग अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। मिश्रा जी यही आपकी गलत बात है, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से लेके आज आई थिंक कौन सा लेक्चर आ गया पता नहीं, यही बता रहा हूं। पहले प्रेजेंट में रहो, आज खत्म होगा कल खत्म होगा, करना ही है ना, दूसरा कोई चॉइस है? मैं आज नहीं खत्म करूंगा तो कल भी तो करोगे ना, तो इस टाइप के सवाल पूछ के यार माहौल मत खराब करो। चलो कंप्लीट है यहां तक। सर्ज वाले पार्ट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक पॉजिटिव सर्ज जहां आपका राइज ऑफ वाटर लेवल हो रहा हो बिकॉज ऑफ सर्ज फॉर्मेशन, मैं आपको अभी शो करूंगा फिगर में बताऊंगा कैसे राइज हो रहा है, और नेगेटिव वाले में जहां आपका फॉल हो रहा हो, मैं दोनों आपको शो करूंगा तो आप घबराइए मत। नोट कीजिए आगे बढ़ेंगे, नोट कीजिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हमारा पहला डिस्कशन फर्स्ट टाइप पे होगा, फर्स्ट टाइप हमारा रहेगा पॉजिटिव सर्ज। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां पे फिगर ही सब कुछ है, पॉजिटिव सर्ज। पॉजिटिव सर्ज में हमारे पास दो टाइप हैं। टाइप नंबर वन, पॉजिटिव सर्ज गोइंग इन डाउनस्ट्रीम, पॉजिटिव सर्ज गोइंग इन डाउनस्ट्रीम साइड। अब आपको कहानी से तो समझ में आएगा नहीं, जब तक फिगर नहीं दिखाऊंगा चीजें आपको क्लियर होगी नहीं। तो सबसे पहले फिगर देखो, सारे बच्चे आराम से फिगर को देखो और आराम से समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत ही प्यारी चीज है, आपने ऐसी चीजें होती देखी हैं। सो ये आपका वो स्लूज गेट है और ये आपको मैंने ओपनिंग किया इसका। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, I'm just opening this sluice gate. और जब आप ओपन करते हो स्लूस गेट को तो क्या होगा, आपका जो पानी नीचे से था, इस साइड जो आपका पानी था, आपने इसको ओपन किया तो सडनली आपका वाटर क्या होगा, वाटर लेवल का राइज करेगा, सडनली आपका वाटर लेवल बहुत ज्यादा राइज करेगा यहां पे। और फिर वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा आफ्टर सम डिस्टेंस ऑफ राइजिंग पार्ट, वो फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहां वाला जो आपका डेप्थ होगा उसको बोलेंगे y1,
यहां पे जो आपकी वेलोसिटी जा रही होगी उसको बोलेंगे v1, और यहां पे जो आपका डेप्थ आ रहा होगा उसको नाम देंगे y2, और यहां पे जो आपकी वेलोसिटी होगी उसको नाम दे देंगे v2। तो इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपका जो वेव फॉर्मेशन हो रहा है उसमें आपको देखो ये जो लेवल है आपका राइज हो रहा है, ये आपका नॉर्मल लेवल था, आपका वाटर लेवल राइज हो रहा है, वाटर लेवल राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ दिस गेट। आपको क्या होगा, सडनली आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इस साइड में आपको आ जाएगा जिसकी वजह से आपको लेवल राइज हो जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम वो अपनी फिर से नॉर्मल लेवल को पालेगा, फिर से अपनी नॉर्मल लेवल को वो पालेगा। एंड दैट इज द रीजन हम लोग जो ये वाला पार्ट है, जो आपका वन वाला पार्ट है, इसको इनिशियल बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट है इसको आप फाइनल बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आपने एक बार फिगर को नोट कीजिए, फिर मैं आपको सारे टर्म्स बताता हूं, और अगर फिगर में कुछ समझ नहीं आया तो आप रिपीट कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। चलिए जल्दी से बताइएगा सारे बच्चे, फिगर समझ में आया? कहानी इस पे अभी बहुत आगे चलेगी, तो अगर फिगर समझ में आया हो तो सबसे पहले बात बताइएगा। फिगर समझ में आ गया? अब देखो यहां पे समझो, जब आपने पानी यहां पे राइज किया था बच्चा, जब यहां पे पानी आपका राइज किया था, तो ये जो वेव्स हैं आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये वेव्स ना धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं। तो आपका जो ऊपर का जो राइजिंग वाला पार्ट है, वो आपका राइजिंग होने की वजह से आपने पॉजिटिव सर्ज बोला है उसको, अब वो जो पॉजिटिव सर्ज है वो आपको डाउनस्ट्रीम साइड में मूव कर रहा है। ये चीज आप नोटिस करोगे कि आपका सर्ज ना धीरे धीरे धीरे, जो आपके वेव्स होते हैं वो धीरे 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 जाके वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, वो जाके नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ये चीजें आपने नोटिस की हैं, ये चीजें आपने नोटिस की हैं। जब आप किसी गेट को ओपन क्लोज करोगे ना, खासकर आपने बैरास गेट में देखा होगा कि आपका वाटर लेवल सडनली आपको राइज करेगा, वाटर लेवल आपको सडनली राइज करेगा, एंड देन इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स वो धीरे 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 जाके वो फिर से नॉर्मल लेवल पे जाके मिल जाता है। तो अपनी जो लेवल है वो धीरे धीरे वो चेंज कर रहा है, अपनी जो राइज है, जो अपनी वेव्स है, वो आपको धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है विद द वेलोसिटी। जो मूवमेंट हो रही है वो वेलोसिटी कितनी है, वी डब्ल्यू। वो जो वेव की वेलोसिटी है उसको हमने नाम दे दिया है वी डब्ल्यू। अगर ये डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर डायग्राम क्लियर है तो आई थिंक एक सवाल आप सारे बच्चे मेरे को जवाब दे सकते हैं, कि इज इट ए स्टडी फ्लो और इज इट ए अनस्टडी फ्लो। मेरा सवाल आपसे क्लियर है, इज इट ए स्टडी फ्लो और इज इट ए अनस्टडी फ्लो? क्या ये आपका स्टडी फ्लो है या अनस्टडी फ्लो है? ध्यान से जवाब देना, गलत जवाब मत देना। क्या ये आपका स्टडी फ्लो है या अनस्टडी फ्लो है? सारे बच्चे आराम से जवाब देंगे और मेरे को सही जवाब देंगे। इज इट ए अनस्टडी फ्लो और स्टडी फ्लो? विशाल बता रहे हैं स्टडी फ्लो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इट्स ए एग्जांपल ऑफ अनस्टडी आरवीएफ। तो आप कहां से स्टडी लेके आ गए? ये आपका एग्जांपल ही अनस्टडी आरवीएफ का, तो स्टडी कहां से होगा ये? तो इट्स ए अनस्टडी फ्लो। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो टर्म्स आपको हैं, इस सारे टर्म्स को आप लिख लो, क्योंकि आपको ये टर्म्स बार बार पूछे जाएंगे इन न्यूमेरिकल्स। y1, y2, v1, v2, सारे के मतलब समझ लो vw। तो y1 है आपका फाइनल डेप्थ ऑफ फ्लो, सॉरी इनिशियल डेप्थ ऑफ फ्लो, y2 आपका फाइनल डेप्थ ऑफ फ्लो, और v1 जो है आपका वो है इनिशियल फ्लो वेलोसिटी, और ये है आपका फाइनल फ्लो वेलोसिटी, एंड दिस vw इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ वेव्स। अब जैसा कि आप सब लोगों ने बोला कि सर ये अनस्टडी फ्लो है। अब अनस्टडी फ्लो में अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना चाहूं, सो मैं एट सेक्शन 1 और एट सेक्शन 2,
अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना चाहता हूं, दैट मींस क्यू इक्वल टू ए वी लगाना चाहता हूं, तो क्या मैं लगाने के लिए सही हूं? क्या इस कंडीशन में मैं फर्स्ट सेक्शन और सेकेंड सेक्शन में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकता हूं? जवाब आपका होना चाहिए, जवाब आपका होना चाहिए। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने क्या पूछा आपसे कि सेक्शन वन और सेक्शन टू पे इफ आई वॉन्ट टू अप्लाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन आई विल नॉट बी एबल टू अप्लाई। क्यों? क्योंकि ये अनस्टडी फ्लो है और आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको स्टडी फ्लो में वैलिड होता है, तो डेफिनेटली हम नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे, हमको मालूम है कि ये अनस्टडी फ्लो है, बट खेलना तो है, एनालिसिस तो करनी है। सो व्हाई कांट वी मेक दिस अनस्टडी फ्लो थ्योरेटिकली, व्हाई कांट वी मेक दिस अनस्टडी फ्लो स्टडी? तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये VW जो है वही प्रॉब्लम कर रहा है, सो लेट्स मेक दिस VW जीरो। तो हमने एक स्यूडो फोर्स लगाया अपोजिट टू VW, तो एक स्यूडो फोर्स लगाया, स्यूडो फोर्स मतलब जो एक्चुअल फोर्स नहीं होता, हमने एक स्यूडो फोर्स लगाया है जो आपका क्या किया VW वाले पार्ट को कैंसिल कर दिया, VW वाले पार्ट को क्या किया कैंसिल कर दिया। लेकिन स्यूडो फोर्स आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन पे तो नहीं लगा सकते ना, आपको तो सारे सेक्शन पे लगाना पड़ेगा ना, इसका मतलब आपको यहां भी लगाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको यहां भी लगाना पड़ेगा, हर जगह आपको लगाना पड़ेगा, हर जगह आपको ये फोर्स लगाना पड़ेगा। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि आपका VW और VW दोनों कैंसिल हो गया, बट आपको इधर वाले आपके आपके फर्स्ट और सेकेंड सेक्शन पे भी आपको VW वाला कंपोनेंट आ गया, VW वाला कंपोनेंट आ गया। तो इस बात में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, मैं हर स्टेप पे पूछ रहा हूं, यह बात आप नोटिस करना, मैं जानता हूं क्योंकि आप बच्चे एकाएक आगे बढ़ा दूंगा फिर आप खो जाते हो, तो मैं हर स्टेप पे आपको चीजें पूछ रहा हूं। यह बातें क्लियर समझ में आई? Why I have applied the pseudo force that is VW, so that why I have applied, because I want to make this flow which is unsteady right now and I want to make this to steady flow, tabhi main apni analysis kar paunga and that is the reason it is required, it is required। मिश्रा जी इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा हूं VW क्या है देखो, इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा हूं VW क्या है देखो, क्लियर है? तो अब देखो यहां पे, अब यहां पे देखो कि अगर ये आपका VW वाला जो प्रॉब्लम था वो अगर खत्म हो गया तो आप सिंपली यहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हो। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग अप्लाइंग, साथ में रहिएगा, साथ में रहिएगा, चीजें आराम से घुस जाएगी दिमाग में। अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सेक्शन वन एंड टू, अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सेक्शन वन एंड टू, क्या होगा देखते हैं। कंटिन्यूटी अप्लाई करो सेक्शन वन और टू पे, तो आपका क्या होगा देखो, सेक्शन वन पे आपकी जो वेलोसिटी है, लेट्स टेक V1 माइनस VW, ओके वेरी गुड, और यहां पे जो आपकी डेप्थ है वो तो है आपकी है Y1, विड्थ को आप B ले लो, तो एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया इक्वल टू एट सेक्शन टू आपकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी V2 माइनस VW, सेम यही होगी ना, V2 माइनस VW और इनटू में आपका आ जाएगा Y2 इनटू B। विड्थ में कोई चेंज कर नहीं रहे, सो विड्थ को कैंसिल करना हमारा लाजमी है, सो आपके पास क्या बोला V1 इनटू Y1, बहुत बढ़िया, माइनस VW इनटू Y1, बहुत बढ़िया, इक्वल टू V2 इनटू Y2 माइनस VW इनटू Y2। आई डोंट थिंक सो एनीबडी विल हैव एनी प्रॉब्लम। अब यहां से अगर मेरे को VW कोई निकालने बोले, अगर यहां से मेरे को कोई VW निकालने बोले तो मैं क्या करूंगा, V1 into Y1 और या उल्टा कर सकते हैं ऐसा, VW को इधर लेके आ जाइए, तो VW कॉमन हो जाएगा, Y2 माइनस Y1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा आपको V2 into Y2 माइनस V1 into Y1। आई डोंट थिंक सो एनीबडी विल हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट। नाउ वेलोसिटी ऑफ वेव आपका क्या हो गया, V2 into Y2 माइनस V1 into Y1 डिवाइड बाय Y2 माइनस Y1। अब बताओ बच्चा क्या ये इस छोटे से डेरिवेशन में जिसमें आपने वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना सीख लिया विथ रेस्पेक्ट टू द किसके किसके
फाइनल और इनिशियल जो आपका डेप्थ है और जो वेलोसिटी है उसके कंपैरिजन, उसको उस टर्म को यूज करके जो आपने VW निकालना सीख लिया, क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है जो आपको याद रखना है इन योर सर्च चैप्टर, इन योर सर्च टॉपिक। तो वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना कितना आसान है, v2 into y2 minus v1 into y1 upon y2 minus y1। It's a very simple formula, you all guys can remember it very easily। समझ में आया क्या? अगर बातें समझ में आई तभी हाँ बोलना है, अगर बातें समझ आई तभी हाँ बोलना है, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर बातें समझ में आई हो तभी हाँ बोलना है। चलिए कमेंट में बताइए जल्दी से सारे बच्चे, आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू रिप्लाई व्हेदर यू हैव नोटेड डाउन दिस पार्ट एंड एज वेल एज यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट। कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कहानी के डेप्थ में उतरते जा रहे हैं, वो कुएं में हम लोग जाते जा रहे हैं, तो आप लोग धीरे धीरे उतरना, हड़बड़ा के मत उतरो। चलिए क्लियर हो गया सबको? कृष्णा सागर, अगर अपने कल के क्वेश्चन को एक बार पढ़ना, वो स्लूस गेट और आज के स्लूस गेट को एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है। एक बार कल के प्रॉब्लम को पढ़ना और एक बार आज जो आपको प्रॉब्लम आएगा उसको पढ़ना, आपको डिफरेंस, इवन प्रॉब्लम को क्या, आज के सिचुएशन को बस देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। आपका गेट ओपन नहीं हो रहा था, आपका गेट खुल नहीं रहा था, वो कॉन्स्टेंट था, और यहां आप गेट को ओपन कर रहे हो, आप यू आर स्लोली स्लोली ओपनिंग द गेट, बोथ आर डिफरेंट। एक आपने गेट को इतना खोल के रखा है वो एक अलग कहानी होती है, गेट आप ओपन कर रहे हो स्लोली स्लोली वो एक अलग कहानी होती है, एंड दैट माइन्यूट डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब कई बच्चों को डाउट होता है कि सर क्या वेव्स सिर्फ स्मॉल वेव्स ही होते हैं या लार्ज वेव ही होते हैं या कुछ और वेव भी होता है? तो सर अगर स्मॉल वेव और लार्ज वेव अगर है तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा स्मॉल वेव है और कौन सा लार्ज वेव है? बहुत आसान बात है, आराम से कर लोगे आप। देखो आ जाओ यहां पे, पावर कट हो गई है तो आपको मेरे चेहरे पे स्वेटिंग दिख रहा होगा, दैट्स द प्रॉब्लम यू गाइज आर नोइंग। पता नहीं, आई थिंक फ्रॉम लास्ट 3 or 4 days आई एम गेटिंग टू मच पावर कट, और मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पावर कट में पढ़ाना। चलिए कोई बात नहीं, विल मैनेज। तो अब देखिए आपके पास VW इज इक्वल टू V2 इनटू ये वाला फॉर्मूला तो हमको आ गया। अब हम बात कर रहे थे लार्ज और लार्ज वेव और स्मॉल वेव की, दो बातें कर रहे हैं हम लोग, लार्ज वेव और, समझिएगा, जब आपका y2 माइनस y1 बहुत ज्यादा ग्रेटर हो एज कंपेयर टू y1, तो इसको आप नाम क्या देते हो, लार्ज वेव। और जब आपका y2 माइनस y1 बहुत ही कम है y1 से, दैट मींस नॉट एट ऑल कंसिडरेबल, इसको आप बोलते हो दिस मच इज नॉट कंसिडरेबल, तो इसको आपने नाम दे देते हो स्मॉल वेव का, इसको आप नाम दे देते हो स्मॉल वेव का। ठीक है, डेडिकेशन ओपी। अरे नहीं बच्चा, एक्चुअली स्टूडियो रूम बहुत ही पैक रहता है ना, सो इफ एसी इज नॉट वर्किंग ना, यू गाइज विल नॉट बी एबल टू इवन स्टैंड फॉर 10 मिनट्स। मेरे घर वाले जो है वो 10 मिनट भी रुकना नहीं चाहते, तो ये एक प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, अब बात करते हैं यहां पे, देखो स्मॉल वेव का एग्जांपल और लार्ज वेव का एग्जांपल मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा। अभी जस्ट मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल दिए हैं,
लार्ज वेव का बेस्ट एग्जाम्पल है आपके टाइडल वेव्स। आप देखोगे ओशन में आपका डेप्थ ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन सडनली जब राइज होता है टाइडल वेव्स लाइक तूफान या ऐसे कुछ, आपको साइक्लोन आया, कुछ भी आया, सुनामी आया, तो जो आपके वेव्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा आपके डेप्थ के होते हैं। सो इन दैट केस दैट वेव्स वी कॉल एज लार्ज वेव। उसका एग्जाम्पल आप क्या बोलोगे? लार्ज वेव। तो एग्जाम्पल में आप ले लो टाइडल वेव्स, और जब आप स्मॉल वेव की बात करो तो वही वाला एग्जाम्पल आपके पॉन्ड में जो आपका वेव्स फॉर्म होता है। सो वेव्स फॉर्म्ड इन पॉन्ड और लेक्स ड्यू टू थ्रोइंग ऑफ एनी स्टोन्स, तो इसको आप क्या नाम देते हो? स्मॉल वेव का। इसको आप क्या नाम देते हो? स्मॉल वेव का। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? दो बताया मैंने, एक लार्ज वेव बताया, एक स्मॉल वेव बताया। कैसे क्लासिफिकेशन किए मैंने आपको दोनों टर्म बताए, एग्जाम्पल्स भी आपको देके बताया, ताकि आपको चीजें विजुअली समझ में आ पाए, विजुअली वो आपको चीजें समझ में आ पाए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहां तक देख लिया, यहां तक में हमको कोई डिस्कशन में प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेरिटी ऑफ वेव्स। क्या बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग? सेलेरिटी ऑफ वेव्स। सो बेसिकली इट इज व्हाट? इट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा, इट इज अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन VW एंड V1। इट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन VW एंड V1। तो इसके रिलेटिव वेलोसिटी को बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग C से। क्या होता है C आपका? VW माइनस V1। अगर आप यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, हमारे फर्स्ट वाले केस में रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, तो यहां जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी होगा क्या होगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकलेगा वो मिलेगा VW माइनस V1, एंड दैट इज द रीजन हमने यहां पे लिखा है VW माइनस V1। अब इस बात का देखिएगा, कई लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इस बात का आपको यूज बहुत है, इस बात का आपको यूज बहुत है, ये आप थोड़े देर में समझ पाओगे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका सेलेरिटी ऑफ वेव्स है ना, ये आपको गिवन है, लाइक इसके फॉर्मूले आपको स्मॉल और लार्ज वेव दोनों के लिए गिवन है। फॉर अ स्मॉल वेव और फॉर लार्ज वेव दोनों के लिए आपको कहानी गिवन, दोनों के लिए आपको कहानी गिवन है। फॉर अ स्मॉल वेव जो सी की वैल्यू है वो रूट अंडर जी इंटू Y1 है। फॉर्मूला नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। और फॉर लार्ज वेव जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर जी इंटू ब्रैकेट में लिखिएगा Y1 प्लस Y2 डिवाइड बाय 2Y1। ठीक है, चलिए तो ये आप लिख सकते हैं, यहां पे एक आप Y2 लिख ले, GY2 Y1 प्लस Y2 डिवाइड बाई 2Y1। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर लार्ज वेव एज वेल एज फॉर द स्मॉल वेव। इसको नोट कीजिएगा सारे बच्चे, इसको नोट कीजिएगा सारे बच्चे। चलिए इसको नोट कीजिएगा सारे बच्चे। अब है यहां पूछ रहे हैं, सर अपोजिट में तो ऐड होता है, या फिजिक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं कि अपोजिट में जब आप दो, एक 50 से चल रहा है, एक 60 से चल रहा है, तो उसकी स्पीड, यहां उससे हमको मतलब नहीं है। यहां आपने एक ही चीज में, यहां आपकी बॉडी एक ही है, आपकी बॉडी एक ही है, जब आप वो रिलेटिव वाली वेलोसिटी निकालते हो ना, ये अभय आपके लिए था, कमेंट में आप ही ने किया है कि सर अपोजिट वाले पार्ट में ऐड होता है, आपने फिजिक्स का कहानी लगा दिया। फिजिक्स में जब आपकी दो बॉडी मूव करते रहती थी, उन दोनों के बीच में जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे तो आप उसको क्या नाम दे देते थे? VW प्लस VW1 हो जाता था, वो आपका समीशन हो जाता था, जैसे आप ट्रेन वाला एक क्वेश्चन करते थे।
बट यहां आपकी बॉडी सेम है बच्चा, बॉडी डिफरेंट नहीं है। मतलब आप में मैं एक साइड से 10 का फोर्स लगा रहा हूं, एक साइड से 5 का फोर्स लगा रहा हूं, तो आपके बॉडी में रिलेटिव अल्टीमेट क्या बचा, अल्टीमेट क्या बचा, 10-5 यही बचा ना, 10-5 यही बचा ना। तो बॉडी यहां एक ही है, यहां दो बॉडी नहीं है बच्चा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए था आई थिंक, अब है आपने ये सवाल पूछा था और बहुत अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल जनरेट होना चाहिए माइंड में। इज दिस क्लियर? चलिए अब ये दोनों फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए डायरेक्टली। फॉर्मूला एक्चुअली लार्ज वेव के लिए बनाई गई थी, लार्ज वेव के लिए बनाई गई थी। स्मॉल वेव का फॉर्मूला बेसिकली कुछ नहीं है, सेम अगर आपने y1 इक्वल टू y2 कर दोगे ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल वेव में y1 और y2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता, सो इन दैट केस आप y1 इक्वल टू y2 कर सकते हो, तो ये वाला फॉर्मूला आपको आ जाएगा। सो यू हैव टू ओनली रिमेंबर द लार्ज वेव फॉर्मूला, स्मॉल वेव फॉर्मूला विल बी इजिली रिमेंबर्ड। इज दिस क्लियर? मैंने बोला ही नहीं है अभी तक आपको, मैंने बोला है इतने दिन के क्लास में आज तक मैंने आपको बोला कि ये फॉर्मूला रट के आना, ये फॉर्मूला मगअप कर लेना, ठीक है। चलो तो ये आपका सिलेरिटी ऑफ वेव्स का फॉर्मूला था, बट देखो अभी हमारा डिस्कशन थोड़ा और आगे बढ़ना है। डिस्कशन इसी वाले केस में जब आपका पॉजिटिव सर्ज डाउन स्ट्रीम साइड में जा रहा था, आपने C इक्वल टू क्या बोला था, VW-V1। अब देखो यहां पे व्हेन C इज इक्वल टू VW-V1 और अगर मैं VW निकालूं तो वो C प्लस V1 हो रहा है, हाँ या ना। और लेट्स टेक अ स्मॉल वेव, लेट्स टेक अभी आपकी कहानी स्मॉल वेव के लिए हो रही है, तो C का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर जी इंटू Y1। और आपको अगर याद होगा फ्राउड नंबर फॉर ए क्रिटिकल फ्लो क्या होता था, 1 होता था, so there also v upon root under g into y1 will be equal to 1 होता था, so vc will be equal to root under g into y1 हम बोल सकते हैं। तो ये जो आपका c है, ये जो आपका c है बेसिकली यहां पे आपको क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर, ये जो आपका है क्रिटिकल वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे अगर मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपका vw है ये कुछ भी नहीं तो ग्रेटर देन vc तो है ना, ये जो आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव है ये आपका ग्रेटर देन vc तो है ना, अरे यस और नो, यहां पे जो आपकी VW की वैल्यू है वो क्या आपकी ग्रेटर देन VC तो है ना, यस और नो, जल्दी बताइए सारे बच्चे। चलिए जल्दी बताइए सारे बच्चे। अब देखो दो डाउट आ रहा है, दो डाउट आ रहा है आपका। एक डाउट आ रहा है आपका कि सर जब आपकी वेलोसिटी, जब आप सेलेरिटी निकालते हो तो हमेशा v1 के कंपैरिजन में निकालोगे? हाँ, हमेशा v1 के कंपैरिजन में ही आपकी सेलेरिटी निकलती है, यह बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरा डाउट आ रहा है सर ग्रेटर वाला पार्ट बता दीजिए। देखो क्या है आपका, अगर सी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा हो, अगर आपका सी क्रिटिकल वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा हो, और देखो यहां पर जो आपका VW वो क्या है, सी प्लस V1, दैट मीन जो भी आपका VW है वो कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही है ना, कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही है आपको VC से। तो आपका ऐसा बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट कब होता है, जब आपका कोई वेलोसिटी ग्रेटर देन आपको VC हो जाए, इन दैट केस आपका कौन सा फ्लो हो रहा होता है, इन दैट केस आपका कौन सा फ्लो हो रहा होता है। अगर किसी की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो रही है, इन दैट केस वहां पे जो फ्लो हो रही है वहां पे कौन सी फ्लो हो रही है, वहां पे कौन सी फ्लो हो रही है, सारे बच्चे बताएंगे। अभय ये गलती कर दी है, ऐसी गलती में आपको तो बिल्कुल माफ नहीं है ये चीज, ये कितने लोग हैं जो सब वाले हैं, मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूं, पांडे जी, अभिलाष, अभय,
कब से होने लगा? जब आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुई, कब से ये सब क्रिटिकल होने लगा? ऐसी गलती मत करो आप लोग. दैट मींस इट इज नथिंग बट सुपर क्रिटिकल फ्लो. ये कैसा फ्लो है यहां पे आपको? सुपर क्रिटिकल फ्लो है. मतलब क्या समझ में आया? जब एक पॉजिटिव सर्स डाउनस्ट्रीम के साइड में मूव कर रहा हो तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लो क्रिएट कर रहा होगा. दैट विल बी अ वन मार्क क्वेश्चन. तो इसको आप नोट की तरह लिख लो. आपके गेट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है पॉजिटिव सर्ज मूविंग टूवर्ड्स डाउनस्ट्रीम साइड, क्या इंडिकेट करेगा आपको? सुपर क्रिटिकल फ्लो. सुपर क्रिटिकल फ्लो, बहुत बढ़िया. अब देखो इसमें आपको दूसरा नोट, दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बोलूं तो किसी रिवर में कोई रिवर आपका फ्लो कर रहा है बिना उसको टच किए, आप बता सकते हो कि रिवर में सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है या सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है. देखना लॉजिक क्या है. आप क्या करो, रिवर में एक पत्थर को थ्रो करो. तो जब आप रिवर में एक पत्थर को थ्रो करोगे ना, तो जब उसकी जो वेव्स फॉर्म होगी, उसकी वजह से जो वेव्स फॉर्म होगी, अगर वो वेव आपको डाउनस्ट्रीम साइड में, एक तो वो राइजिंग वेव हो और दूसरा वो डाउनस्ट्रीम साइड में जा रहा है, सो इसका मतलब वो वहां पे फ्लो क्या हो रहा है? सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है. क्या बोला मैंने फिर से? कि इन दैट केस यू कैन अंडरस्टैंड इट इज नथिंग बट सुपर क्रिटिकल फ्लो विच इज हैपनिंग इन दैट रिवर एट दैट सेक्शन. आपको ये बात समझ में आ रही है तो जल्दी से हां बोलिएगा. तो मेरे को क्या समझ में आया, इसको नोट की तरह लिखेंगे. इफ ए स्टोन इज ट्रेवल और इफ ए स्टोन इज थ्रोन इन अ फ्लोइंग रिवर and the waves which are formed are traveling towards downstream side, this indicate supercritical flow. This indicates supercritical flow. क्या ये बात समझ में आई? ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन मार्क के लिए कई बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है. इसको नोट करिएगा, समझ के नोट कीजिएगा. क्यों मैंने बोला कि पॉजिटिव सर्ज होने की वजह से सुपरक्रिटिकल फ्लो हो रहा है? क्योंकि VW इज ग्रेटर देन VC. दैट मीन्स इट्स अ सुपर क्रिटिकल फ्लो. दैट्स इंडिकेटिंग ए सुपर क्रिटिकल फ्लो. तो एक स्टोन को जब पानी में फेंकोगे, एक फ्लोइंग रिवर में फेंकोगे, और जब वेव्स जो उसके फॉर्म हो रहे हैं वो अगर आपके डाउनस्ट्रीम साइड में जा रहे होंगे, सो इन दैट केस इट इज नथिंग बट द सुपर क्रिटिकल फ्लो विच इज हैपनिंग इन द रिवर. क्या ये बातें समझ में आई सारे बच्चों को? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, यस और नो? इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे. इस पूरी कहानी को नोट कीजिए हम लोग आगे बढ़ेंगे. ये पूरी कहानी आपको थी जब आपका पॉजिटिव सर्ज हो मूविंग टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम साइड. ये पूरी कहानी आपको उसी के लिए थी. चलो अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पार्ट में. अब कहानी में क्या है आपका? पॉजिटिव सर्ज
मूविंग टूवर्ड्स अपर स्ट्रीम साइड, पॉजिटिव सर्ज मूविंग टूवर्ड्स अपर स्ट्रीम साइड. क्या बोला मैंने? पॉजिटिव सर्ज मूविंग टूवर्ड्स अपर स्ट्रीम साइड. क्या होगा देखो, यहां पे कहानी में क्या ट्विस्ट है, क्या होगा खेला वेला देखो. ये है आपका गेट. लास्ट टाइम आपने गेट को क्या किया था, ओपन किया था या क्लोज किया था? टू गेट पॉजिटिव सर्ज इन द डाउनस्ट्रीम साइड, टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड, आपने गेट को क्या किया था, ओपन किया था या क्लोज किया था? जो भी किया होगा उसका अपोजिट. तो लास्ट टाइम अगर आपने देखोगे तो आपने ओपन किया था. सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस. तो इस बार आप क्या करने वाले हो, अपने गेट को क्लोज करने वाले हो. तो जब आप गेट को क्लोज करते हो बच्चा, तो आपके साथ क्या होगा, आपके डाउनस्ट्रीम वाले पार्ट में, आपके सॉरी आपके अपस्ट्रीम वाले पार्ट में आपको पानी यहां जमा हो जाएगा. एक्चुअली आपका फ्लो कुछ ऐसा आ रहा था, लेकिन सडनली यहां पे पानी का जमावड़ा हो जाएगा. अब यहां पे जो आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो है उसको आप बोलते हो y1, और यहां जो आपकी वेलोसिटी उसको नाम देते हो v1. यहां पे जो आपकी वेलोसिटी उसको नाम दोगे आप v2, और यहां पे जो आपका डेप्थ है उसको नाम दोगे आप y2. आपका जो वेव्स फॉर्म हो रहा है वो कहां पे फॉर्म हो रहा है, ऊपर पे फॉर्म हो रहा है, और इसका नाम क्या होगा, vw. अब आप देख सकते हो ये जो वेव्स आपके फॉर्म हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपस्ट्रीम साइड में जा रहे हैं या डाउनस्ट्रीम साइड में, इस गेट के अपस्ट्रीम साइड में जा रहे हैं या डाउनस्ट्रीम साइड में, आप ही बताएंगे. द वेव्स विच आर फॉर्म बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ग्लेड, बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द स्लूस गेट इन द अपर स्ट्रीम साइड, इन द अपर स्ट्रीम साइड, दैट वेव्स आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द अपर स्ट्रीम साइड, टूवर्ड्स द अपर स्ट्रीम साइड. तो ये डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये बताओ. सारे बच्चे, यहां इजी नहीं है कि आपको हर बातें समझ में आ जाएगी, हर बातें ऐसे लगेगा कि एकदम बहुत ही आसान, यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. अनस्टडी है बच्चा, अनस्टडी है तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना. मैं फिर से बोल रहा हूं, इमेजिन करना पड़ेगा. एक गेट को आप जब बंद करते हो, आपको अपस्ट्रीम साइड में पानी जमा होता है कि नहीं होता है, और वो पानी जमा कैसे होता है, वो धीरे धीरे आपको बैकवाटर कर्व के फॉर्म में, वो धीरे धीरे आपको नॉर्मल डेप्थ से मिल जाता है. तो वो जो वेव्स फॉर्म होती है, जो धीरे धीरे जाके डिमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो वेव की वेलोसिटी है vw. उस दैट वेव वेलोसिटी इज नथिंग बट द vw. आपकी जो नॉर्मल फ्लो चल रही थी वहां पे जो आपकी डेप्थ है वो है y1, जो आपका नॉर्मल फ्लो चल रहा था वहां पे जो वेलोसिटी है वो आपका v1. जब आपका राइज हुआ बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द गेट, जो आपका राइज हुआ वहां पे, आपको वहां पे जो आपका डेप्थ है वो है y2, और वहां पे जो वेलोसिटी है उसका डेप्थ है आपको, उसकी वेलोसिटी आपको v2. तो इस बात में फिर से किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताना, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि ये चीजें समझने वाली बात है. रट्टा मारने से यहां नहीं होगा, यहां रट्टा मारने से नहीं होगा. ओपनिंग क्लोजिंग कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान रहोगे पूरी जिंदगी भर. फिर से मैं दो बार बोलोगे दो बार एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा इमेजिन. अब मैं यहां गेट और पानी तो लाके दिखा नहीं सकता ना आपको, तो यू हैव टू इमेजिन दैट पार्ट. आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर आप गेट क्लोज करते हो तो पीछे पानी जमा होता है, नेचुरली होता है, आप करके कभी देखना. इज दिस क्लियर? तो बाकी आपका vw वाला केस तो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सेम कहानी यहां भी, आपका अनस्टडी फ्लो है तो आप नॉर्मली तो खेल पाओगे नहीं. तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक vw अपोजिट टू दिस पार्ट, एक स्यूडो vw आपको लगाना पड़ेगा. अगर आप इस सेक्शन में लगाएंगे तो आपको हर एक सेक्शन में लगाना पड़ेगा vw, हर एक सेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा vw. और ऐसे कंडीशन में, बच्चा अगर आप सी निकालना चाहोगे तो आपका सी क्या होगा, इस सवाल का जवाब मैं आप सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं. फॉर दिस कंडीशन व्हाट विल बी द सी वैल्यू फॉर यू, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं, जिन बच्चों को समझ में आया होगा सिर्फ वही जवाब देगा. व्हाट टू राइट फॉर द सी वैल्यू,
व्हाट टू राइट फॉर द सी वैल्यू, व्हाट टू राइट फॉर द सी वैल्यू. सारे बच्चे जवाब देंगे, कोई एक दो बच्चे नहीं, सारे बच्चे को जवाब देना है. ऑल हैज टू आंसर दिस क्वेश्चन, ऑल हैज टू आंसर दिस क्वेश्चन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुश कर दिया आप लोगों ने. तो यहां पे आपने क्या देखा कि जो C है वो आपका किसके बराबर हो रहा है, VW प्लस V1 के. अब इस कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर मैं आपको VW निकालने में बोलूं तो C माइनस V1 होगा. सो नो डाउट आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि आपका VW जो है, आपका जो VW है वो कहीं ना कहीं आपको VC से कम ही होने वाला है, क्रिटिकल वेलोसिटी से, क्योंकि आपका C माइनस V1 हो गया ना, C से कुछ कम, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको C VC से वो कम ही होने वाला है. और ऐसे केस में जो आपका फ्लो होता है वो कौन सा होता है, सब क्रिटिकल फ्लो. तो फटाफट नोट डाल देंगे. If a stone is thrown in a flowing river and waves which are formed are moving in upstream direction, then river is flowing, or then आप लिख सकते हो, then it is a subcritical flow. तो आपको ये नोट दिमाग में छप जाना चाहिए, वन मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट बाय थ्रोइंग ए स्टोन आपको ये चीज पता चल जाएगी कि आपका रिवर में फ्लो सुपर क्रिटिकल हो रहा हो या सब क्रिटिकल हो रहा है. ये चीज आपने नोटिस किया होगा, रिवर एक फ्लोइंग रिवर में अगर से आप स्टोन को थ्रो करोगे ना, तो या तो वेव आपको डाउनस्ट्रीम साइड में जा रहा होगा या वो अपस्ट्रीम साइड में जा रहा होगा. ये चीज आपने नोटिस की होगी. दिस समथिंग यू हैव नोटिस, ऑल एवरीवन हैव नोटिस दैट. यस और नो, ये बातें क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, ये बातें क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई. फिर से मैं बोला यही सेम फिजिक्स का रूल लगाने लगे यहां पे अमन, कि दो VW, अरे भैया एक ही है ना, बॉडी एक ही है, एक ही बॉडी में एक डायरेक्शन में V1 भी लग रहा है, एक आपको V1 भी लग रहा है, दूसरा आपको VW भी लग रहा है. तो टोटल आप में कितना फोर्स लग रहा है? अगर आपकी बॉडी में मैं आपको 10 न्यूटन का भी फोर्स लगा रहा हूं एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और अगर फिर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं फिर से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लगा रहा हूं, तो टोटल फोर्स कितना लगा? 20 लगा ना. तो यहां दो डिफरेंट बॉडी की बात नहीं हो रही, सेम गलती आप कर रहे हो जो पिछली बार अभय कर रहे थे. इज इट क्लियर? तो ये था आपका पॉजिटिव सर्ज मूविंग टुवर्ड्स अपस्ट्रीम साइड की कहानी. इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सारी चीजें आपको सिमिलर है, सेम है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको. अब मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं, और इसके लिए मैं आपको कोई बहुत बड़ी थ्योरी लिखवाना नहीं चाहता हूं, आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाना चाहता हूं, आप समझ लोगे. एक आता है वर्ड कंट्रोल सेक्शन, और दूसरा वर्ड आता है आपको क्रिटिकल सेक्शन. और ये दोनों ना अक्सर बच्चे को कंफ्यूज करता है, ध्यान सुनना, ये दोनों ना अक्सर बच्चे को कंफ्यूज करता है. और मैं चाहता हूं कि इसके लिए मैं आपको थ्योरी ना लिखवाऊं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फिर मैं आपको थ्योरी भी लिखवा दूंगा, बट पहले आप एग्जांपल से समझना चाहेंगे. तो मंजूर है एग्जांपल?
एग्जाम्पल थोड़ा खतरनाक हो सकता है बट एग्जाम्पल समझना इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल समझना चाहोगे व्हाट इज कंट्रोल सेक्शन एंड व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन, आप वही सेम फंडे को यूज कर सकते हो. भाई क्यू इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, सेम फंडा को यूज करो, आपको VW मिल जाएगा, आपको VW मिल जाएगा. चलो एग्जाम्पल को समझना. अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर किसको कंट्रोल सेक्शन बोले किसको क्रिटिकल सेक्शन बोले. बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, देखो ध्यान समझना. अब देखिएगा, ये पांडे जी का घर है, ये पांडे जी का घर है, और ये वाला जो है ना, ये वाला जो है आपको ये अभय जी का घर है, ये पांडे जी का घर है, ये आपको अभय जी का घर है. ध्यान समझिएगा. पांडे जी के जो मम्मी पापा हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन प्यार मोहब्बत चलता रहता है, तो झगड़ा चल रहा है और मम्मी किचन में थी और चाकू को उठा लिया गया है, समझ जाओ. एकदम टफ वाली फाइट चल रही है, एकदम बहुत तबाही वाली फाइट चल रही है. पांडे जी तो एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर अभय जी को वो फाइट एंजॉय करनी होगी, तो वो किस जगह बेटर करेंगे, कौन सा जगह बेटर होगा आप बताना. क्या वो पांडे जी के घर के सोफे पे बैठे हो, दैट विल बी बेटर ऑप्शन, या वो अपने घर के बालकोनी से वो फाइट देख रहे हैं, वो अपने घर की बालकोनी से वो फाइट देख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन बेटर ऑप्शन होगा. फाइट चल रही है, एकदम इंटेंस फाइट चल रही है. अब आप लोग को बताना है कि अभय जी के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, कि वो पांडे जी के घर के सोफे पे बैठ के मस्त फाइट देखें, या दूसरा ऑप्शन उनके साथ होगा कि वो घर की बालकोनी में खड़े हो रहे हैं और वहां से उनको दिख रहा है फाइट मस्त सी. कौन सा, विच ऑप्शन यू विल सेलेक्ट एज अ बेटर ऑप्शन, ध्यान से एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल से बहकना मत. मैं पहले बता रहा हूं, एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा है, समझ में आएगा तो बहुत मजे आएंगे. ये अमन बता रहे हैं सोफा पे, अरे भैया सोफा पे वहां पांडे जी की मम्मी चाकू तक उठा ली है. आप सोच लो, अगर गलती से प्यार मोहब्बत में चाकू आपकी तरफ आ गया तो फिर क्या कटेगा, ये आप देख लो. तो इज इट अ सेफर ऑप्शन, मजा तो आएगा ठीक है ज्यादा, लेकिन इज इट अ सेफर ऑप्शन. आप एनालिसिस करने गए थे वहां पे और अपना ही जान गवा के आ गए, तो फिर क्या ही मतलब. तो कभी भी ध्यान समझना, कभी भी जिस भी सेक्शन में आपको एनालिसिस करना हो, फॉर एग्जाम्पल जब आपका पॉजिटिव सर्ज मूविंग टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम हो, जब कहानी डाउनस्ट्रीम में खेली जा रही हो, तो आपको अपना कंट्रोल सेक्शन अपस्ट्रीम में बनाना है, ताकि आप हमेशा खुद को अनडिस्टर्ब्ड पॉइंट पे रखें. जो आपके न्यूज मीडिया वाले रहते हैं वो आपको हमेशा दूर से आपको कैप्चर करते हैं, यानी कि जहां चीज हो रही है वहीं से कैप्चर करेंगे. तो आपको हमेशा कंट्रोल सेक्शन वहां बनाना है जहां डिस्टर्बेंस से दूरी रहे. डिस्टर्बेंस जहां है वहीं पे बनाओगे तो आप क्या कंट्रोल करोगे. सो योर कंट्रोल सेक्शन विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस. लॉजिक क्लियर है. क्या ये बात समझ में आई. हमेशा जब भी वो इंटेंस फाइट देख रहा है, आप अभय जी के बालकोनी में खड़े हो और मस्त देखो, बिना खुद को डिस्टर्ब किए हुए. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं आपको फर्स्ट सेक्शन की बात करता हूं, तो देखो अभी इस सेक्शन में आपकी कहानी कहां पे हो रही है, अपस्ट्रीम साइड में पूरी कहानी हो रही है. तो यहां हमारा कंट्रोल सेक्शन किधर होगा, डाउनस्ट्रीम साइड में. अगर आपको फर्स्ट सेक्शन की बात करूं तो यहां पर आपकी कहानी कहां हो रही है, डाउनस्ट्रीम साइड में. तो आपकी जो कंट्रोल सेक्शन वो कहां होगा, अपस्ट्रीम साइड में होगा. तो जहां पे डिस्टरबेंस है वहां पे नहीं बनाएंगे कंट्रोल सेक्शन, उससे बाहर. तभी तो हम डिस्टरबेंस को देख पाएंगे ना ढंग से, तभी तो डिस्टरबेंस को हम ढंग से क्लियर देख पाएंगे ना, या एनालाइज कर पाएंगे. तो कंट्रोल सेक्शन क्लियर है बच्चा. क्या होता है, कहां पे बनाना चाहिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कंट्रोल सेक्शन विल बी ऑलवेज Away from the disturbance. Is it clear? अगर क्लियर है तो thumbs up कीजिए फटाफट. अगर क्लियर है तो चीजें तो फटाफट thumbs up कीजिए. क्लियर है.
अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना कि अभय के भी मम्मी पापा जो थे ना, ये भी बालकोनी से डेली फाइट देखते थे और इंटेंस फाइट हो रही थी पांडे जी के घर में, तो वो भी क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो गए। तो अभय के घर में भी मम्मी पापा की फाइट चल रही है, अब वो लोग भी एकदम ताबड़तोड़ फाइट वाली चल रही है, तो इधर पांडे जी के घर में भी फाइट चल रही है, अभय जी के घर में भी फाइट चल रही है एकदम इंटेंस वाली, और आपको दोनों देखना है, आपको दोनों देखना है, तब आपको आता है कंसेप्ट, तब आपको आता है कंसेप्ट जिसको आप बोलते हो क्रिटिकल सेक्शन का। तो पांडे जी और अभय जी के बीच में, पांडे जी और अभय जी के बीच में हमारे मिश्रा जी का भी घर है, पांडे जी और अभय जी के बीच में हमारे मिश्रा जी का भी घर है। तो ये रहा मिश्रा जी का घर, और मिश्रा जी के घर से आपको अब दोनों फाइट आराम से दिखेगा, एक बार इधर से आओ तो ये फाइट दिखेगी, एक बार इधर से आओ तो एक बार ये फाइट दिखेगी। सो एट द फ्रॉम द मिश्रा से मिश्रा जी टेरेस आप दोनों के घर की फाइट आराम से देख सकते हो, आराम से एनालाइज कर सकते हो कि मम्मी जीत रही है पापा जीत रहे हैं, आराम से बता सकते हो कि पांडे जी के साइड में मम्मी जीत रही है या अभय जी के साइड में मम्मी जीत रही है, एकदम क्लियर पता चलेगा। तो ये आपका सेक्शन जो हुआ, ऐसा जो सेक्शन हुआ, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। एट दैट क्रिटिकल सेक्शन यू कैन एनालाइज द अपस्ट्रीम सेक्शन आल्सो, यू कैन एनालाइज द डाउनस्ट्रीम सेक्शन आल्सो विदाउट डिस्टर्बिंग योरसेल्फ, विदाउट डिस्टर्बिंग योरसेल्फ। इज दिस क्लियर? क्या क्रिटिकल सेक्शन या कंट्रोल सेक्शन क्लियर समझ में आया? क्या क्रिटिकल सेक्शन या कंट्रोल सेक्शन बिल्कुल क्लियर समझ में आया? थ्योरी वाला पार्ट लिखेंगे, जो आपको लिखना है वो मैं लिखवाऊंगा, बट एग्जाम्पल से मैं चाहता हूं पहले वो चीजें क्लियर हो। क्या जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो क्लियर आपके दिमाग में घुसा या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? माई क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस और नो? बहुत ज्यादा घुस गया? नहीं, इतना भी नहीं घुसना चाहिए था। देखो, कंट्रोल सेक्शन का तो कोई एग्जांपल नहीं है, वो तो आपको डिपेंड करेगा। क्रिटिकल सेक्शन का आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूं। देखो, ये आपका डैम रहा बच्चा, दिस पॉइंट कैन बी कॉल्ड एज क्रिटिकल सेक्शन। इसमें आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड दोनों देख सकते हो, दोनों एनालाइज कर सकते हो, इसको आप एग्जांपल में लिख सकते हो क्रिटिकल सेक्शन का। आपका चैनल बॉटम ऐसे चेंज हो रहा हो, सो दिस पॉइंट यू कैन कॉल एज क्रिटिकल सेक्शन। दिस पॉइंट यू कैन कॉल एज क्रिटिकल सेक्शन। तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं, ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं जहां पे आप क्रिटिकल सेक्शन एज्यूम कर सकते हो, क्रिटिकल सेक्शन उसको मान सकते हो। एंड आई डोंट थिंक सो एनीबडी विल हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट। आई डोंट थिंक सो एनीबडी विल हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट। आप सारे बच्चों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। सो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है और कंट्रोल सेक्शन क्या होता है, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब दो तीन बातें इसके बारे में लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, सारे बच्चे लिखते जाइएगा, सारे बच्चे लिखते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कंट्रोल सेक्शन एंड क्रिटिकल सेक्शन बोथ आर मेड अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस से आप हमेशा दूर रखो। फर्स्ट पॉइंट, दैट क्रिटिकल सेक्शन एंड कंट्रोल सेक्शन विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस, ऑलवेज अवे फ्रॉम द डिस्टर्बेंस। दूसरी बात लिखिएगा, इन अ क्रिटिकल सेक्शन जनरली डिस्चार्ज And other flow parameters are measured. तो आपके critical section पे ही आप discharge या other flow parameters को measure करते हो। क्या बोला मैंने? In a critical section आप जो discharge या जो flow parameters, चाहे आपकी velocity हो, depth हो, generally you measure at critical section. क्यों? क्योंकि वहां पे disturbance का कोई जगह नहीं है, so you always measure these things at critical section. Second point. First और second point clear है? फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? वेदर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेदर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर समझ में आया? राइट डाउन द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट से पहले मैं आप सबसे जवाब चाहूंगा,
कि एक रिवर में एक आप स्टोन फेंकते हो और अगर आपने क्रिटिकल फ्लो क्रिटिकल सेक्शन की बात करो तो क्रिटिकल सेक्शन में जो आपका वेव्स फॉर्म हो रहा होगा क्रिटिकल सेक्शन या क्रिटिकल फ्लो में जो आपका वेव्स फॉर्म हो रहा होगा उस वेव में वेव किधर जा रहा होगा, डाउनस्ट्रीम साइड में जा रहा होगा या अपस्ट्रीम साइड में जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा? आपने बताया ना कि सुपर क्रिटिकल फ्लो में डाउनस्ट्रीम साइड जाएगा, सब क्रिटिकल फ्लो में अपस्ट्रीम साइड जाएगा, तो अगर क्रिटिकल फ्लो हो रहा होगा तो किधर जाएगा बताइए? इट्स अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, बट कहां थ्योरेटिकली कहां जाना चाहिए उसको? अगर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है आपके रिवर में एंड यू आर थ्रोइंग अ स्टोन इन ए रिवर इन अ फ्लोइंग रिवर, वेयर द वेव विल गो? इट विल गो लाइक इन अ डाउनस्ट्रीम साइड और अपस्ट्रीम साइड, या जाएगा ही नहीं? लॉजिकली बताना, इट विल बी अ वन मार्क क्वेश्चन। दवेंद्र बता रहे हैं डाउनस्ट्रीम साइड में नॉट फॉर्म्ड, आपने कभी देखा है कि जब आप एक स्टोन फेंकते हो रिवर में और वेव्स दोनों साइड में जा रहे होते हो, हैव यू नोटिस कभी भी ऐसा जीवन में हुआ है कि आपके दोनों साइड में वेव जा रहे हैं? कमेंट बताइएगा। एक कोई बच्चा है सेम अबव लिख रहा, अरे सेम वही होगा शायद, का मतलब क्या है ध्यान से नोट कीजिएगा, एट अ क्रिटिकल सेक्शन, नोट कीजिएगा या ऐसा लिखिएगा, इन अ क्रिटिकल फ्लो इफ ए स्टोन इज थ्रोन इन अ रिवर वेव्स विल ट्रेवल इन बोथ द डायरेक्शन, बोथ मतलब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, दोनों डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेंगे, वेव्स विल फॉर्म इन बोथ द डायरेक्शन अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम, वेव्स विल ट्रेवल इन बोथ द डायरेक्शन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, दोनों साइड में ट्रेवल करते हैं। तो ये तीन पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखाया रिगार्डिंग क्रिटिकल सेक्शन। अब चौथा पॉइंट आप खुद बताओगे, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन दैट पॉइंट, आप खुद बताओगे कि विच सेक्शन इज बेटर फॉर यू, क्रिटिकल सेक्शन और कंट्रोल सेक्शन, किस सेक्शन को आप बेटर बोलेंगे, क्रिटिकल सेक्शन या कंट्रोल सेक्शन? यहां पे आप एग्जाम्पल कोई देख लो, कौन सा सेक्शन आपका बेटर है? क्या मिश्रा जी के घर के टेरेस पे बैठ के दोनों पांडे जी और अभय जी के घर की फाइट देखना ये बेटर ऑप्शन है या किसी एक के घर पे बैठ के देखना? डेफिनेटली नो डाउट एट ऑल, क्रिटिकल सेक्शन विल बी ऑलवेज बेटर, क्योंकि मिश्रा जी का घर हमको बेटर लगा, मिश्रा घर का टेरिस हमको बेटर लगा, दोनों दिख रहा है ना, पांडे जी का घर भी देख पा रहे हैं, अभय जी का घर भी देख पा रहे हैं, सो मिश्रा जी का घर बेटर है, दैट मींस मिश्रा जी का घर क्या है, कंट्रोल सेक्शन है, सॉरी क्रिटिकल सेक्शन है। सो राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट, क्रिटिकल सेक्शन इज बेटर एज कंपेयर टू कंट्रोल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन आपका बेटर होता है, बेटर प्रेफरेंस मिलता है एज कंपेयर टू द कंट्रोल सेक्शन। इट इज अ वन मार्क क्वेश्चन जो बहुत बार कई एग्जाम में पूछा भी गया है और फिर भी पूछा जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन इज बेटर एज कंपेयर टू द कंट्रोल सेक्शन। क्या इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुख हो तो बताइएगा, यहां तक के पॉइंट्स में किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दुख हो तो बताइएगा। यहां तक के पॉइंट में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई दुख होगा तो बताइएगा। ठीक है चलो, अब यहां ध्यान से देखिएगा, हमने पॉजिटिव सर्ज की पूरी कहानी समझ ली, पॉजिटिव सर्ज की पूरी कहानी समझ ली, अब हम लोग को बात करते हैं निगेटिव सर्ज की, पॉजिटिव सर्च की आप पूरी कहानी समझ चुके हो, नाउ विल टॉक अबाउट निगेटिव सर्च। अब देखिएगा, समझिएगा सबसे पहले बात,
सर फ्लो पैरामीटर और डिस्चार्ज क्रिटिकल से मेजर करते हैं तो कंट्रोल का यूज क्या है? कंट्रोल का यूज है सबसे पहले आपको वही मेजरमेंट करने का, लेकिन कंट्रोल में आप सबसे पहले बाकी चीजों के एनालिसिस को भी देखते हो। आपका सिर्फ डिस्चार्ज मेजरमेंट ही नहीं होता, फ्लो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, डेप्थ राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है। अगर आपने बना पाना है तो हमेशा क्रिटिकल सेक्शन को बनाओ, ज्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन हमेशा क्रिटिकल सेक्शन आप डिजाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। एक रिवर फ्लो कर रहा है उसमें आप कहां पे क्रिटिकल सेक्शन बनाओगे? ये तो डैम मिल गया तो ना, अदरवाइज आपके लिए कंट्रोल सेक्शन ही बनाना पड़ता ना आपको, अदरवाइज आपको कंट्रोल सेक्शन ही बनाना पड़ता। तो ऐसा नहीं कि क्रिटिकल कंट्रोल सेक्शन पे आप डिस्चार्ज और अपनी मेजरमेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट क्रिटिकल सेक्शन विल बी ऑलवेज एडजस्टेबल टू फाइंड आउट और टू मेजर एनी डिस्चार्ज और एनी डेप्थ और एनी फ्लो पैरामीटर। ऐसा नहीं कि कंट्रोल सेक्शन पे नहीं कर सकते हैं, ये मैंने लाइन नहीं दी आपको, ये स्टेटमेंट मैंने आपको नहीं बोला है, इस बात का ध्यान रखिए। सेकेंड रिपीट करना है, सेकेंड कौन सा विकास? सेकेंड पॉइंट मैंने कौन सा बोला ये मेरे को खुद याद नहीं है। सेकेंड पॉइंट एक बार कौन सा है जल्दी से बताइए। सेकेंड पॉइंट कौन सा है आप सब लोग बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। टाइम हो चुका है आई थिंक, नेगेटिव सर्ज हम आज नहीं देख पाएंगे, कल देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, नेगेटिव सर्ज आपका छोटा टॉपिक है, कल देख लेंगे। और कल आपका न्यूमेरिकल सेशन भी है, कल इसी टाइम पे आप लोग का न्यूमेरिकल सेशन भी है, और कल आपकी ओसीएफ की लास्ट क्लास है, कल आपकी ओसीएफ की लास्ट क्लास है। चलिए तो कोई डाउट है जल्दी से, सेकंड वाला रिपीट करना है। अब सेकंड वाला पॉइंट मेरे को खुद ही याद नहीं बच्चा मैंने क्या बोला है। रिगार्डिंग मेजरमेंट, हाँ, क्रिटिकल सेक्शन पे हमेशा मेजरमेंट आपको ज्यादा एडजस्टेबल रहता है। क्रिटिकल सेक्शन पे आपकी डिस्टरबेंस बिल्कुल भी जीरो के है, बराबर है, तो वहां पे अगर आप डिस्चार्ज मेजर करोगे या डेप्थ मेजर करोगे या वेलोसिटी मेजर करोगे सो इट विल बी एक्यूरेट पार्ट, तो आपको एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी मिलती है, इसलिए क्रिटिकल सेक्शन पे ज्यादा बोलते हैं वो लोग डेप्थ मेजर करो या सब कुछ वहीं पे मेजर करने बोलते हैं वो लोग। इसलिए ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो तो कल की क्लास में नेगेटिव सर्ज एक छोटा सा टॉपिक है वो देख लेंगे, 10 मिनट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और देन विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू सॉल्व इन अ क्लासरूम, तो कल हम लोग का वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और आप लोगों की एक डिमांड थी कि सर ओसीएफ का बहुत दिनों से आपने रिविजन सेशन नहीं लिया है, सो दिस वीकेंड आई हैव प्लान्ड ए रिविजन सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, टाइमिंग एंड ऑल मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जल्द। सो एक रिविजन सेशन मैंने आपके लिए प्लान कर दिया है, सो दिस वीकेंड यू हैव ए रिविजन क्लास फॉर ओसीएफ, तो आप मस्त तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और आप में से सारे बच्चे कोई जो बच्चे ने रजिस्टर नहीं किया है आपने या इनरोल नहीं किया है फर्स्ट क्लास की जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए, तो आप इनरोल कर लीजिए। If you are a new student, you can use this code MRI10, आप enroll कर सकते हैं। और enrollment में इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि एक बार मेरे को student का strength पता चलेगा ना, so I can plan better thing for all of you, and that is the reason I want all of you guys to enroll that. Link आपको generate हो चुकी है और link आपको I think available भी होगा, तो आप सारे बच्चों ने enroll कर लिया है। हाँ, revision session आपका OCF का होगा this weekend only, यही इसी weekend आपका होगा। प्रकाश शाहू, ओपन चैनल फ्लो विल बी गेट कंप्लीटेड टुमारो, इट विल गेट कंप्लीटेड टुमारो। सो यू गाइस आर हैविंग द लिंक ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सेशन जो आप लोग डिमांड कर रहे थे, सबके पास सेशन का लिंक है ना, क्योंकि आप लोगों को अब एक चीज में बता दूं कि जो भी आपकी स्पेशल क्लास हो रही है उसको आप लाइव ही देखें, क्योंकि आपके पास सिर्फ चार या पांच ऑप्शन ही बचा है रिकॉर्डेड देखने का, सो डोंट मिस दैट पार्ट, ट्राई टू वॉच ऑल द लेक्चर्स इन अ लाइव, दैट विल बी ऑलवेज एडजस्टेबल फॉर यू। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना और सेफ रहो, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग, एंड लेट्स एंड दिस ओसीएफ पार्ट, कल हम लोग ओसीएफ को हैप्पी नोट के साथ खत्म करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं रिविजन वाले पार्ट में मैं देख ही लूंगा, ओसीएफ के जो भी डाउट्स बचे हैं I will take care of in revision session which is on weekend. अब weekend में आपका Saturday है या Sunday ये तो मेरे को मालूम नहीं है, but आपका है, inform में आपको one day before कर दूंगा। ठीक है, चलो ख्याल रखो बच्चा, safe रहो सब लोग और मस्त रहो,
बाय बच्चों।